हो रही जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में सीएमएचओ ग्वालियर ने जिस मुरार स्थित रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, उसके आगे की जांच पड़ताल में पता चला है कि रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक संजीव शर्मा का नाम व्यापम मामले से भी जुड़ा हुआ है। संजीव शर्मा जीआरएमसी के 2010 बैच के मेडिकल स्टूडेंट भी रहे हैं। जांच में पाया गया कि अस्पताल का संचालन जीआर मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस फाइनल ईयर का छात्र संजीव शर्मा कर रहा है। इस पर सीएमएचओ ने जीआर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन और डीन के साथ संचालक चिकित्सा शिक्षा को भी पत्र लिखा था कि संजीव शर्मा एक छात्र होते हुए हॉस्पिटल का संचालन कैसे कर रहा था, जिसके बाद डीन डॉक्टर समीर गुप्ता ने छात्र का पूरा रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश स्टूडेंट शाखा प्रभारी को दिए, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर डीन को भिजवा दी गई है। हाँ, रुद्राक्ष हॉस्पिटल है, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, शिकायतें आई थी। प्राची शर्मा है और एक और दो मरीज और हैं उनके, वहाँ पर बच्चे की हालत डिलीवरी के दौरान काफ़ी स्थिति गंभीर हो गई थी और उससे बच्चा एक्सपायर हो गया था और महिला की भी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, शिकायत आई थी हमारे पास में, तो जाँच के लिए टीम बनाई थी। गौरतलब है कि ग्वालियर निवासी जितेंद्र शर्मा ने सीएमएचओ से शिकायत करते हुए कहा था कि प्रसव पीड़ा के चलते वह अपनी पत्नी प्राची शर्मा को मुरार प्रसूति गृह लेकर पहुंचे थे, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अनिता श्रीवास्तव ने उनकी पत्नी को आशा कार्यकर्ता पुष्पलता की मदद से मुरार स्थित रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि जितेंद्र ने पहले भी सिविल सर्जन से भी मामले की शिकायत की थी, क्योंकि डॉक्टर अनिता श्रीवास्तव क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन स्वास्थ्य प्रबंधक संस्थान में पदस्थ हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस चिकित्सा जगत के अनोखे मामले में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आईनेस 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।